हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ गए चर्चा के लिए। आलोक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर, और स्वागत के साथ ही देखिए जिस तरह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आपने देखा चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कल दीपावली की अगर मैं बात कर लूं तो एक परिवार के साथ जो जाती हुई आपके आपको मालूम जरूर होगा किस तरह एक घर में घुसकर बहन के साथ हैवानियत की जाती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। भारत ने आजादी के बाद में अपनी इच्छा से और सर्वसम्मति से भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया था। सब धर्मों के लोग रहेंगे, बराबर रहेंगे, ऐसा संविधान में अधिकार दिया था। पर ऐसा लग रहा है कि एक पूरा समुदाय ऐसा है जो उसका निरंतर दुरुपयोग कर रहा है। उनके नेता उनको बताते हैं कि इतने वर्ष तक हमने भारत पर राज किया है, हम राजा हैं और इसलिए अभी भी हम वैसा करेंगे। जिहाद का नाम लेते हैं, जिहाद के नाम पर हत्या को, लूटमार को, बलात्कार को ऊपर से मिला हुआ दैवी उपहार मानते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बारे में गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। हमने अपने हिंदू संगठन के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, बाकी लोगों को बताया है कि आत्मरक्षा करना ये हम सबका अधिकार है जी, कानून में अधिकार है। हाँ। और जैसा हमला हो वैसा प्रतिकार करना और स्थान स्थान पर हम मुसलमानों के आक्रमण को निरस्त भी कर पाते हैं, फिर भी उनके नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा भड़काने पे लगा रहता है। पसमांदा मुसलमान उनको इसी नशे में रखता है कि इस्लाम खतरे में है, और आज़ादी के 75 साल बाद भी उनका विकास, शिक्षा, रोजगार इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। मुझे लगता है कि मुसलमानों में भी अब इस बात की जागृति होनी चाहिए कि वो अपने उच्च जाति के लोगों के मोहताज ना बने रहें, वहाँ से भी सुधार की आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज भी स्थान स्थान पर अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। पुलिस को हम बुलाएंगे, कानून की व्यवस्था के लोगों को बुलाएंगे, और जब तक वो आते हैं तब तक आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करेंगे। ये बात मुसलमानों ने समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आलोक जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी होता है, जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर घात किया जा रहा है, हिंदुत्व को समाप्त करने की जो एक कोशिश की जा रही है, चाहे आप जिहाद की बात कर लें या जिहादियों की बात कर लें, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हिंदुस्तान में आखिर हिंदुओं को टारगेट करना इतना आसान क्यों है? हिंदुओं में एकता की कमी क्यों है? आखिर क्या ऐसी कमी है जिसे जान पाना हिंदुओं के लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि आज खुद योगी आदित्यनाथ को भी बयान देना पड़ा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और वाकई अगर बट गए तो कटना तय है। मैं आपसे कहूं कि ये बात थोड़ा अब पुरानी हो गई है। हाँ। अभी वो शुरू करते और क्योंकि तैयारी से शुरू करते हैं इसलिए उसके फर्स्ट फेज में, पहल में कुछ उनको ज्यादा लाभ होता होगा, पर वो लाभ स्थायी नहीं होता। अभी मुजफ्फरनगर के पास की जो घटना हुई, किसी व्यक्ति ने एक ऐसी पोस्ट डाली जो डालनी नहीं चाहिए थी, गिरफ्तार हो गया, पर एक 700 लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर के और उसकी दुकान पर हमला किया, पथराव किया, नुकसान पहुंचाया, उसके परिणाम हुआ। और
टीवी उसमें सीसीटीवी में देख करके 50 से ज्यादा लोग जिन्होंने उस पथराव में भाग लिया था गिरफ्तार हुए, जेल में हैं और अपना दंड भोगेंगे। इसलिए अब यह निश्चित है, चाहे बात नूह की हो चाहे पूर्वी दिल्ली के रायट्स की हो, हमला करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी, हमला करेंगे तो बराबर की प्रतिक्रिया होगी। और हम इस बात की भी जानकारी और पीछा करेंगे कि अपराधियों पर मुकदमे कायम हो, गवाही ठीक से हो, पैरवी में कसर ना रहे और उनको दंड मिले। बिल्कुल, लेकिन अभी भी एक सवाल यही है, आसान नहीं है। बिल्कुल, देखिए आसान बिल्कुल अभी नहीं। जो हो रहा है बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। मैं कह रहा था कि अभी जो हो रहा है वो एक हताशा में हो रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि अब उनका वैसा एक ओवरवैल्यूड नहीं है वो आज। पहले तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए लोग पीछे जाते थे, हिंदू बढ़ता था, पर मैंने अपने साथियों से कहा कांग्रेस के और बाकी दलों के कि ये खेल पुराना हो गया है, अगर तुम मुस्लिम वोट बैंक बनाओगे तो हम चाहे ना चाहे एक हिंदू वोट बैंक खड़ा होगा। और लोकसभा के विधानसभाओं के चुनाव साबित करते हैं कि आज परिणामों की दृष्टि से मुस्लिम समाज का वीटो अब चलता नहीं है। ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और छुटपुट हो रही हैं, ये भी जल्दी समाप्त होंगी। मैं तो बांग्लादेश के बारे में ये देख करके संतुष्ट हुआ कि वहां जब राइट्स शुरू हुए तो 100 से ज्यादा देशों में हिंदुओं ने पाकिस्तानी हाई कमीशन या एम्बेसी और यूएनओ के सामने प्रदर्शन किया, एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर लाया। और वहां पे जब चीफ एडवाइजर उतरे ढाका में, अपने पहले बयान में उन्हें कहना पड़ा कि ये दंगे बंद करो, बंद नहीं करोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। हिंदुओं ने जब कहा कि हमको सुरक्षा दो, नुकसान की भरपाई करो, दोषियों को दंड दो, तो मोहम्मद यूनुस ने कहा आपके साथ गलत हुआ है ना, आप मेरे यहाँ आए ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ढाकेश्वरी मंदिर में आऊंगा। तो दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू पर आघात होगा, आज पूरे विश्व का हिंदू मानता है कि यह आघात उस पर हुआ है, वो सड़क पर उतरता है। पहली बार हुआ कि ढाका में और चटगांव में हजारों की संख्या में हिंदुओं ने भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन किया।